चलो वो बहन के पास भेज दो, आपके पास सबके पास है, बैठे बैठे आप। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। मैंने आपको यूट्यूब पे फॉलो किया, अभी इंडिया आए हुए हमें 6 मंथ हुए। मैं सोच रही थी पता नहीं कब इंडिया जाना होगा, कब आपके दर्शन होंगे, पर शिव जी के आशीर्वाद से आपके साक्षात दर्शन मुझे इधर लंदन में हो गए। हमें लगता है आपकी ही अर्जी काम कर गई है जो हम लंदन आ गए। जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो बड़े होते हैं वो ये बोलते हैं कि हनुमान जी को सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए लड़कियों को, लेडीजों को थोड़ा अलग थोड़ा सा दूर रह के प्रणाम करना चाहिए जी। और लेडीज जो है वो सुंदरकांड कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? दोनों प्रश्नों पर ताली बजाओ। क्या नाम है आपका? नीलू रावत। लंदन में कहाँ रहते हैं आप? हेस्टन हाउस। अच्छा ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि महिला लड़की अथवा पुरुष हो हनुमान जी के सामने खड़ा ही नहीं होना चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों क्यों? सूर के सामने, सूर को क्या आप बिना चश्मा पहने नंगी आंखों से लगातार देख सकते हो? नहीं। नहीं ना, जल जाओगे ना जी, आंखों में दिक्कत होगी ना। उसी प्रकार हनुमान जी तो सूर को खा चुके हैं, उनमें तो करोड़ों सूर्य समान तेज है, उनके सामने खड़े होगे तो तुम भी जल जाओगे। इसलिए सामने नहीं, बगल से पुरुष हो स्त्री। और आप आचार्य जी जिस दिन हम आए थे तो कौन पंडित जी थे सेवा में? महाराज जी भी थे हमारे साथ। आपने देखा होगा हम श्री हनुमान जी के सामने खड़े नहीं हुए, बगल से पूजा की। हमेशा बगल से पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो किरण को हम, और एक और है सामने ना खड़े होने का कारण, श्री हनुमान जी महाराज हमेशा राम जी को देखते हैं, और कोई सामने खड़ा हो जाए तो क्या राम जी देखेंगे उन्हें? मार मुक्का लाल और कर देंगे। ये दो कारण है, इसलिए श्री हनुमान जी के सामने नहीं खड़े होना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? सुंदरकांड महिलाओं को पढ़ना चाहिए कि नहीं जी? आप सुंदरकांड में हमें कहीं ये लिखा बता दो कि सुंदरकांड महिलाएं नहीं पढ़ सकती, ऐसी चौपाई आई? नहीं आई ना। नहीं। कोई भी पढ़ सकता है, हनुमान जी को पुत्र भाई या पिता रूप में कोई भी सेवा कर सकता है, वरना जानकी भी तो एक माँ है, स्त्री है जी। और जिनसे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ वो भी तो एक स्त्री है जी। तो श्री हनुमान जी स्त्री के विरोधी नहीं है, भाव के विरोधी हैं। भाव अगर माँ का हो तो श्री हनुमान जी महाराज चरणों में सेवादार बन जाते हैं। बोलो बागेश्वर धाम की जय। चलिए धन्यवाद, इनको दीजिए।